नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। डाक पत्थर के रहने वाले एक युवक शुभम भटनागर की शक्ति नहर में डूबने से हुई मौत। बताते चले कि शुभम भटनागर डाक पत्थर का निवासी था। प्राप्त सूत्रों के अनुसार देर रात्रि उसके नंबर एक पोल खादर बस्ती के रहने वाले एक महिला से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते पहले महिला ने शक्ति नहर में छलांग लगाई। उसके बाद शुभम भटनागर की शक्ति नहर में छलांग लगा दी। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार महिला को कुछ लोगों के द्वारा शक्ति नहर से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन शुभम भटनागर शक्ति नहर में डूब गया और मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, लेकिन रात्रि के चलते सोमवार ना करें कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह ढकरानी पावर इंटैक्स से शुभम भटनागर का शव बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा पंचायत नामा की कार्यवाही के बाद शुभम भटनागर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको यह भी बता दें कि वह महिला घटनास्थल से निकाले जाने के बाद तुरंत अपनी स्कूटी लेकर अपने घर चली गई। वही अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के द्वारा इसमें आगे क्या कार्यवाही की जाती है। We'll be right back.